हरे हरे हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वापस क्यों नहीं आया अभी तक? सब पूछ रहे हैं तेरा। क्या करूंगा मैं वहां के? पागल हो गया? जल्दी आ जा वापस। अच्छा, अब चले, मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ क्यों नहीं ठहर जाते? मैं तो यहाँ रहने नहीं चाहता यार, बल्कि कहीं भी नहीं रहना चाहता। लेकिन मामा समझ नहीं रही, वापस जाने नहीं दे रही मुझे। जब तक अंकल आंटी ने रुकना है, तुम यहाँ ही मेरे पास ठहर जाओ। सोचो इस बारे में। चल देखते हैं, मैं चलता हूँ भी। लुड्डी जी, ढोलकी पर नहीं जाना। अम्मी क्या करना है ऐसी ढोलकी पे जाकर? एमन जब खुशी नहीं है तो मैं वहां जाकर क्या करूं? एमन को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि उसकी सारी खुशियां बकार से वाबस्ता हैं। अम्मी इतना आसान नहीं होता है सारी बातें एकदम से समझ लेना। मोहब्बत का जख्म भरते भरते ही सारी जिंदगी गुजर जाती है। अरे तुम क्या बातें ले बैठी, जल्दी से जाओ, तैयार हो, वहां सब इंतजार कर रहे होंगे। अम्मी मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि नजमा बाजी ने कोई भी बात नहीं की। चाहे जो भी फैसला हुआ था वो एक दफा बात तो कर सकती थी। देखो अकलमंदी इसी में है कि उसने बात नहीं की, क्योंकि सुरैया और फसाहत तो माँ और भाई के सामने बोल नहीं सकते। सिर्फ इसलिए क्योंकि शुजात भाई पैसे वाले? आजकल यही खूबी सबसे बड़ी खूबी समझी जाती है। और मोहब्बत की कोई हैसियत नहीं अम्मी? मोहब्बत शायरी की किताबों और फिल्मी कहानियों में ही अच्छी लगती है। अच्छा चलो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, इंतजार हो रहा होगा तुम्हारा। चलो शाबाश, ये उठाओ सब यहाँ से। जोर से भाई, आप यहाँ अकेले हैं और वहाँ पे सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कि तुम भी करो ना एंजॉय। नहीं ठीक हुई यार। अच्छा तो आप यहाँ पे अकेले अकेले गुनगुना रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। चलें सबके साथ चल के बैठ। नहीं चलें, मुझे नहीं पता। चलें 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 चलें। अरे खामोश 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 खामोश, चुप ना। अली भाई आप गाना गा के सुनाएं। पागल हो गई हूँ। क्यों, क्या गाएं ना? हाँ तुम भी गाना सुना दो, सुनाए, अच्छे खासे गवैये हो तुम।
आओ ना अली, आ जाओ बैठे। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आओ हम भी देखे क्या गाते हो। बैठो। मैं पीछे बैठूंगी। इश्क क्या है पास हो के भी दूर दूर रहना, जिंदगी है धूप छाओ के दरमियान जीना। चलो अली कुछ सुना दो। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भूला ना सकोगे, ना जाने मुझे क्यों ये यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। कनाडा में तो पान खाती होगी तुम? नहीं अम्मा, कहाँ, वहाँ तो बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा, अंग्रेज है ना सब वहाँ लोग। ले भाई, आ गया एमन की माइयों का जोड़ा। कैसा है? माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। इतनी बारीकी से गोटा लगवाया मैंने। वेरी नाइस, दिखा। मेरी एमन पहनेगी तो बिल्कुल गुड़िया लगेगी। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे, उसे दुश्मनों की बुरी नजर से हसद से बचाए। यार अली तुम कहाँ घूम रहे हो? मैं मामा के साथ कब तक शॉपिंग पे जाऊंगा, उनको सारी जगह भी नहीं पता है। तुम क्यों नहीं मुझे टाइम दे रहे हो? हाँ अली, चले जाओ ना साथ, अच्छा है कंपनी भी रहेगी। अली ये देखो जोड़ा, अच्छा है ना? मुझे पता है कि लड़कों को इन चीजों में दिलचस्पी नहीं होती, फिर भी मैंने सोचा तुमसे पूछूं, कितना बारीकी वाला काम हुआ है ना। बहुत अच्छा। अरे हाँ दादी, वो रात इतनी रौनक लगाई लड़कियों ने ढोलक पर, तुम लोगों ने शॉपिंग करने में इतनी देर लगा दी थी, सब थक हार कर जा चुके थे। दादी पता है, सब लड़कियां कह रही थी कि हम ढेर सारा हल्ला गुल्ला करेंगे, और वो राबिया सोबिया वो तो पता नहीं कौन सा गाना निकाल कर बैठी है, कहती है इस पर खूब डांस करेंगे आज। तुम डांस जरूर करोगी। दादी मुझे डांस करना नहीं आता। हाँ मैं गाने जरूर गाऊंगी। मैं अभी आई। All well, सब ठीक है ना? Oh, yeah, yeah. All is well. अच्छा मुझे चाय फिनिश करने दो, उसके बाद फिर हम चलते हैं। Sure. चल अभी रौनक लगाए, को अच्छा अच्छा गाना गाए मजे वाला। जोर से गाए ना, जोर से गाए भैया, तुम भी तालियां बजाओ, जोर से गाओ। रंग गोरा है तेरा तो रंग गोरा है भाई। एक एक मिनट ठहरिएगा। सलमा आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं, हम वो इनसे गवाते हैं, कोई जो आपकी पसंद है भाई। मेरी बेगम के पसंद की गाना होगा, ठीक है? हाँ बता, आप बता देना। नहीं ना, तुम बताओ ना। आपको बेगम के अलावा कुछ नजर आता है? ऐसे पूछा था हमने, कौन सा रोज रोज फंक्शन अटेंड करने होते हैं, हम तो इतने सालों के बाद आए हैं यहाँ पे। बताएं ना पसंद अपनी कोई। थोड़ा
थोड़ा सा बनता है। चलो चलो चलो, देखो दादी डांस कर रही है। आपने मुझे बुलाया? काम कर दोगी मेरा? जी जी बोले। यार मैं जाने से पहले एक दफा ईमन से मिलना चाहता हूँ, प्लीज उसे छत पे बुला दोगी? वो अली प्लीज इनकार मत करना। वहीं इश्क क्या है पास हो के भी दूर दूर रहना, जिंदगी है धूप छाओ के दरमियान जीना। जानता हूँ कि मेरा तुम्हें यहाँ बुलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन क्या करता मैं, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, कोई और ऑप्शन नहीं। और अगर आज मैं अपने दिल की बात तुमसे ना करता तो सारी उम्र गिल्ट में सिंदर है। ये चूड़ियाँ लेके आया था मैं, तुम्हें पसंद है ना ये चूड़ियाँ? प्लीज पहन। अजीब बातें कर रहे हैं घर वाले, कह रहे हैं कि एमन की तो शादी हो रही है तुम माहीन से शादी कर दो। अब मैंने तो साफ इनकार कर दिया, बिल्कुल इनकार कर दिया। तुम जानती हो तो एमन तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। बहुत छोटा था मैं, बहुत छोटा, कानों में आवाज आती थी मेरे, बाबा मामा कहते थे भाई इस घर की बहू तो सिर्फ और सिर्फ एमन बनेगी, बस ये फाइनल है हमारी तरफ से, और नहीं हो सकता कुछ भी। मैंने तो तब से अब तक सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा। मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे तुम नजर आती हो, मैं आंखें खोलता हूँ तो मुझे सिर्फ तुम नजर आती हो। मैं क्या क्या करूँ, ये कितनी अजीब बातें कर रहे हैं। मैं नहीं कर सकता यार माहीन से शादी, मैं नहीं नहीं कर सकता। मेरी शादी तो सिर्फ तुमसे होगी ना, बोलो तुमसे होगी ना? मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता, सिर्फ तुमसे होगी मेरी शादी, बोलो तुमसे होगी ना?
मान जाओगी ना, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? बोलो। मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे तुम नजर आती हो, मैं आंखें खोलता हूँ तो मुझे सिर्फ तुम नजर आती हो। मैं क्या करूँगी, इतनी अजीब बातें कर रहे हैं। मैं नहीं कर सकता यार माहीन से शादी, मैं नहीं कर सकता। मेरी शादी तो सिर्फ तुमसे होगी ना। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता, सिर्फ तुमसे होगी मेरी शादी। बोलो, तुम मान जाओगी ना, तुम्हें कोई एतराज नहीं है? बहुत छोटा था मैं, बहुत छोटा। कानों में आवाज आती थी, मेरे बाबा मामा कहते थे भाई इस घर की बहू तो सिर्फ और सिर्फ एमन बनेगी, बस ये फाइनल है हमारी तरफ से, और नहीं हो सकता कुछ। इश्क क्या है पास हो के भी दूर दूर रहना, जिंदगी है धूप छाओ के दरमियान जीना। आखिर कुछ तो बताओ क्या बात है? गुड्डी बाजी, अली क्या हुआ? अली को अली मोहब्बत करता है मुझसे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मैं उसकी मोहब्बत को समझ ही नहीं पाई। क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ, उसने मुझे खुद बताया कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मगर वो अब तक क्यों नहीं बोला था? चुप क्यों था इतने अरसे से? कैसे कहता? मेरी जिंदगी का फैसला तो हो चुका था ना, और उसे भी यही लगता है कि मैं वकार से शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मगर एमन फिर तुमने भी आज तक उससे क्यों नहीं कहा? मैं कैसे कहती गुड्डी बाबूजी? कैसे कहती मैं? Thank you.
उम्मीद बात की बहुत खुशी है मुझे। जैसे पसंद करती हूँ ना, मुझसे शदीद मोहब्बत करता है। ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जब तुम दोनों एक ही नहीं हो सकते। ये मतलब ठीक हो जाएगा, चुप हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं ना। बाबा जी अली कहाँ है? अली तो अपने दोस्त के घर चला गया है। कब आएगा? है तो है ना। जमा बाजी मुझे ये बताएं कि क्या आप लोग एमन का रिश्ता लेने आए थे अली के लिए? गुड्डी ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। जो मैं पूछ रही हूँ वो बताइए। हाँ आए तो इसीलिए थे, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। आप लोगों की तो शायद सिर्फ ये ख्वाहिश हो, लेकिन क्या आप ये जानती हैं कि एमन अली की मोहब्बत थी? गुड्डी क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा है ना ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। यही तो वक्त है ये बातें करने का। पहले भी आप लोगों ने कुछ ना बोलकर बहुत ज्यादती कर दी। गुड्डी अली से कुछ नहीं कहना है, बड़ी मुश्किलों से मैंने उसे समझाया है। आपको लगता है कि आपने उसे समझा दिया और वो समझ जाएगा? कि आप शायद ये बात नहीं जानती है कि दो लोग जब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे को पा नहीं सकते तो उनके दिल में वो तूफान जन्म लेता है जो सारी जिंदगी उन्हें चैन से बैठने नहीं देता। गुड्डी हम तो अली की खुशी चाहते थे, मगर यहाँ के हालात तो तुम्हारे सामने है। आपने आवाज क्यों नहीं उठाई अपने हक के लिए? रिश्तों की नाजुक दौर को उलझने से बचाने के लिए जरूरी था कि मैं अपना हक मांगने के बजाय फर्ज निभाती, और मेरा फर्ज था कि मैं इस वक्त चुप ही रहती। आपने तो अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन आप शायद ये नहीं जानती कि दो मोहब्बत करने वालों के साथ आप लोगों ने कितनी बड़ी ज्यादती की। दो मोहब्बत करने वाले? एमन तो वकार के साथ अपने रिश्ते पे बहुत खुश है। जिस तरह आप लोगों ने खामोशी इख्तियार कर ली, इस तरह वो भी ये फैसला सुनकर चुप कर, लेकिन मैं चुप नहीं। भाभी। अरे गुड्डी मैं तुम्हें ही बुलाने जा रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? भाभी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि एमन वकार भाई के साथ खुश रह लेगी? हाँ भाई क्यों नहीं। गलत लगता है आप लोगों को, आप नहीं जानते लेकिन जाने अनजाने में आप अपनी बेटी के लिए बहुत गलत फैसला करने जा रहे हैं। इसी बातें कर रही हो, क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ भाभी, आपको अंदाजा नहीं कि अली और एमन एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। सिर्फ आप लोगों के इस जबरी फैसले के आगे उन लोगों ने खामोशी इख्तियार कर ली है। खामोशी रहें तो बेहतर है, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाभी, अभी एमन का निकाह नहीं हुआ। क्या आप ये चाहती हैं कि आपकी बेटी ऐन निकाह के मौके पर इनकार कर दे? तो बेहतरी इसमें नहीं कि एक दफा सबसे बात कर ली जाए और दोनों की खुशी के मुताबिक एक फैसला कर दिया जाए? आप कहती हैं तो मैं फसाद भाई से खुद बात करती हूँ। नहीं नहीं गुड्डी, अब इस घर में कोई नया तूफान खड़ा मत कर, बस कर दो, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। जैसे सब कुछ हो रहा है उसे होने दो, ना तुम्हारे कहने से कुछ होगा ना मेरे कहने से, होगा वही जो हो रहा है। भाभी मुझे एक बात समझाइए, सारी जिंदगी हर किसी की जी हुजूरी करते करते आप थकी नहीं है? दादी के फैसलों के आगे आपने हमेशा अपना सर झुकाया, लेकिन फिर भी क्या आप उनकी नजरों में एक अच्छी बहू साबित हो सकी? तो आज अपनी औलाद की खातिर, उसके प्यार की खातिर, क्या आप अपने आप को एक अच्छी माँ और नजमा बाजी के आगे एक अच्छी बहन नहीं साबित कर सकती? नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। ठीक है भाभी, लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, बुरा ना मनाइएगा। अगर एमन अपनी जिंदगी में खुश ना रही ना, तो सारी जिंदगी आप इस पछतावे में पछताती रहेंगी कि
काश आपने अपनी औलाद के लिए कदम उठा लिया होता और खामोशी के बजाय कुछ कह लिया होता सबसे। लेकिन वो तो किसी दोस्त की तरफ गया हुआ है। बताया था उन्होंने मुझे, कह रहे थे कि वो अब वहीं रहेंगे। तुम एक काम करो, जरा जल्दी से उसका नंबर मिलाकर मुझे दो, मैं बात करती हूँ उससे। वो मुझे किसी और का होते नहीं देख सकता। बेल जा रही है लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। शायद रास्ते में होंगे। अच्छा तुम एक मैसेज लिखो जल्दी से उसे कि जैसे ही ये मैसेज पढ़े फौरन कॉल करे। ठीक है। करती हूँ। क्या बात है, आपको देर हो गई थी आज। हाँ वो भाईजान के साथ गया हुआ था किसी दोस्त से मिलने, उनके बहुत लोगों से मिलना मिलाना था उन्होंने। आपने खाना भी नहीं खाया, ला दूँ खाना। खा लिया था। क्या बात है सुरैया, तुम परेशान क्यों लग रही हो? फसाद, मुझे बात करनी है आपसे। अरे तो सुरैया बात करो ना तुम, ये परेशान सूरत बना के बात करना जरूरी है क्या? एमन के बारे में बात करनी है मुझे। आपको नहीं लगता हमने उसकी शादी का फैसला करने में बहुत जल्दी की है? सुरैया देखो, मुझे पता है कि तुम्हें तकलीफ हो रही है कि बेटी जा रही है, माँ हो तुम, लेकिन जिस जगह वो जा रही है ना, नसीबों से जाते हैं ऐसे लोग, दुआएं करते हैं अपनी बेटियों के लिए। इस घर से ज्यादा खुश रहेगी वो, मेरे भाई का घर है। तुम्हें पता है भाईजान ने होटल नाम कर दिया उसका। अरे भाभी की तो जबान नहीं थकती ये कहते हुए कि उनको बेटी मिल गई है। आपको ये तो अंदाजा है कि सब खुश है, क्या आपको ये भी अंदाजा है कि बेटी खुश है कि नहीं? क्या क्या कहना चाह रही हो तुम? फसाद एमन खुश नहीं। देखो सुरैया, रिश्ता होने से पहले मैंने पूछ लिया था एमन से, हाँ कही थी उसने। देखो तुम उसे बात करो, उसे को सारे खौफ अपने दिल से निकाल, बहुत खुश रहेगी वो। हेलो, हाँ भाई, वो काम का क्या हुआ मेरे? हाँ एमन, मेरा अली बहुत मासूम है, इतना मासूम है कि अपना प्यार हमसे कभी छुपा ही नहीं सका। हमेशा हमने उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार ही देखा है। शायद हम भी कहीं ना कहीं कसूरवार हैं। हम उसे यही यकीन दिलाते रहे कि एमन तो हमारी बहू बनेगी। उसे अब भी यही यकीन है। हाँ, उसके यकीन से ही तो डर लग रहा है। एमन, वो तुझे कभी नहीं भूल पाएगा। मैं भी उसे कभी नहीं भूल सकती। हाँ है, मैं और अली तो यही समझ रहे थे कि वकार से तेरा रिश्ता तेरी पसंद से हुआ है। खाला, मुझसे किसी ने भी कुछ नहीं पूछा। एमन, एक बार तो बोला होता, एक बार बोलती तो देखते कैसे तेरी पसंद तुझसे छीनते। नजमा, अब लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। तुम कैसे कह रही हो तुमसे किसी ने कुछ नहीं पूछा? मेरे सामने फसाहत गए तुमसे पूछने तुम्हारे कमरे में। अबू आए थे अम्मी, उन्होंने वकार का नाम नहीं लिया था और मैं समझ रही थी कि मेरी शादी अली से हो रही है। एमन, जो कुछ हुआ है उसे अपना नसीब समझ के कबूल कर।
और वैसे भी वकार कौन सा गैर है, अपना ही है। पर सुरैया मेरा तो एक ही बेटा है, मैं उसकी आंखों में सारी उम्र उदासियां तो नहीं ना देख सकती। नजमा आपा, वक्त बहुत बड़ा मरहम है, अली बहुत समझदार बच्चा है, आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की इस हकीकत को समझ जाएगा। अपनी ख्वाहिशात को अपने अंदर मारने का मतलब हकीकत का सामना करना नहीं होता, अपने पर जुल्म करना होता है। क्या बच्चों मेरी बातें कर रही हैं आपा, ये फैसला मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं जानती हूँ सुरैया, तेरे इख्तियार में कभी कुछ नहीं हुआ, पर एक बार फसाद भाई से बात तो कर लेने दे। आपा मैंने आपको बता दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। अम्मी एमन बस कुछ मत कह, अगर तुम्हें हमारी इज्जत का जरा सा भी पास है तो अपना मुंह बंद रखो। और आपा आप भी इस बात को हवा मत दे, मेरे ससुराल का, मेरी इज्जत का मामला है, खुदा के लिए समझे। इश्क क्या है, पास हो के भी दूर रहना जिंदगी, अच्छा किया तो यार वापस आ गया। चल कहीं आउटिंग के लिए चलते हैं, काफी दिन हो गए मैं बोर हो गया। कोई फायदा नहीं है, मैं जहां पे भी चला जाऊं इनमें तो याद आएगी ना। यार तुम्हारे आने से पहले मैंने तुम्हें कॉल भी की थी बट तुमने अटेंड नहीं की, मैंने सोचा कि शायद तुम बिजी होगे। तुम फोन साइलेंट पे था, मैं चेक करता हूं। कब की थी तुमने कॉल? मैंने थोड़ी देर पहले की थी तुम्हें। हां साइलेंट। एक्स क्या हुआ? हेलो अली। अली मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं जानता हूँ गुड़ी बाजी, ये माहिन की शरारत है, वो चाहती है मैं वापस आ जाऊँ, जो पॉसिबल नहीं है। अली मैं किसी के कहने पर फोन नहीं कर रही, बस ये मानो कि मैंने तुम्हारे और एमन के दिल की सदा सुनी। क्या मतलब गुड़ी बाजी? इस वक्त तो बहुत रात हो गई, तुम ऐसा करो कल घर पे आ जाओ, मैं तसल्ली से तुमसे बात करूं। लेकिन बस कर जाओ अली, इस लेकिन वेकिन के चक्कर में तुमने बहुत टाइम बर्बाद कर लिया है, बस तुम कल आओ फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। जी मैं इंतजार करूंगी अपने घर पर तुम्हारा। खुदा हाफिज। क्या हुआ? बीबाजी का फोन। अब ये मौसुमा कौन है भाई? नेबर्स हैं एमन वगैरह के, बहुत आना जाना है तकरीबन सारे खानदान। तो अब वो क्या चाहती है? तो मुझे नहीं पता, अगर जाऊंगा तो पता चलेगा। यार एक बात बहुत अजीब लग रही है मुझे, समझ में नहीं आ रहा उन्होंने ये क्यों कहा कि वो मेरे और एमन के दिल का हाल जानती है, समझा नहीं। मैं कैसे बताऊं गुड्डी बाजी की बात का मतलब क्या है? अच्छा चल छोड़ ना यार, कॉफी पीने चलते हैं, आ जा। अरे चल ना यार, किसका इंतजार है भाई, चल आ जा। अली मुझे ये बताओ कि तुम अपने दोस्त की तरफ क्यों शिफ्ट हुए? वैसे ही देखो, जिस तरह मैं एमन की गुड्डी बाजी उस तरह तुम्हारी भी बहन है, तो मुझे अपने दिल का हाल बता सकते हो। मैं जानती हूँ कि जिस तरह एमन तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, इस तरह तुम भी उसे बहुत चाहती हो। तुम उसे किसी और का होते नहीं देख सकते, क्या ये बात सच है? जब उसे किसी और का होते देख नहीं सकते हो, तो कल को जब वो सच में किसी और की हो जाएगी तो क्या ये बात बर्दाश्त कर सकोगे? की खुशी की खातिर कर लूंगा। और अगर मैं ये कहूँ कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है तो?
अगर मैं ये कहूँ कि वो भी तुम्हें उतना ही चाहती है जितना तुम उसे चाहते हो तो? बुढ़ी बाजी सच कह रही है आप, लेकिन उसने तो कभी कुछ नहीं कहा। अगर उसने कभी तुमसे ये बात नहीं की तो तुमने कौन सा बता दिया उसे? वो वकार से शादी नहीं करना चाहती, वो बिल्कुल भी खुश नहीं। पहले वो ये बात सोचकर उदास हो जाती थी कि शायद तुम्हें इन सारी बातों की कोई परवाह नहीं है, उसकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अब जब वो भी ये बात जानती है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो तो वो अंदर ही अंदर घुट रही है, मर रही है कि तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं सबके सामने खड़ा हो जाता। अब हो जा, अभी भी देर नहीं है, तुम चाहो तो ये सब कुछ अब भी मुमकिन है। साथ देगी मेरा? जरूर देगी, अगर तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगे तो वो भी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन हमारी सुनेगा कौन? हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और शायद अभी इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं, मगर सुरैया भाभी और तुम्हारी अम्मी ने तो हालात के आगे हथियार डाल दिए। अब ऐसे मौके पर किसी का भी कुछ कहना सुनना बेमायने हो जाता। गुड़ी बाजी आप ही कोई मशवरा देना, मुझे बताएं मैं क्या करूं। तुम उसे लेकर यहाँ से चले जाओ और निकाह कर। देखो अली, तुम दोनों की भलाई इसी में है। मैं ये हरगिज नहीं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद हुई उस तरह एमन भी अपनी जिंदगी बर्बाद हुई। तुम्हें पता है मैंने भी जिंदगी में यही बेवकूफी की थी जो एमन कर रही है, और इसका जाला मैं आज तक भुगत रही हूँ, तन्हाई का शिकार होकर। मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार उससे नहीं किया जिसको मैं चाहती थी, और आज लोगों को यही लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझ पर क्या गुजरती है। इसलिए कह रही हूँ कि ये बेवकूफी मत कर। ऐसे भी खानदान की बात तब भी खानदान में ही रहेगी, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सबको राजी कर लेंगे, सबको समझा देंगे। आखिर तुम उसके खाला जादी तो किसी गैर के साथ तो नहीं जाएगी ना, घर की बात घर में रहेगी। अली मेरी बात पर गौर करो, अगर अपनी जिंदगी में अपनी मोहब्बत को चाहते हो, उसे पाना चाहते हो, उसके साथ सारी जिंदगी खुशी के साथ गुजारना चाहते हो तो तुम्हें यह कदम उठाना पड़ेगा। हरी हरी चूड़ियाँ।